भैया डिलीवरी करने के लिए इतनी महंगी बाइक? जितना तो हम डिलीवरी करने से कमाते भी नहीं होंगे उससे ज्यादा तो इस बाइक का मेंटेनेंस आता होगा, खर्चा भी कितना लगता होगा। सारा तो नहीं, बाकी आधा तो चला ही जाता है। तो आप इसे चेंज क्यों नहीं कर लेते? कोई सस्ती बाइक ले लीजिए, आपका खर्चा भी कम होगा और आपको अफोर्डेबल भी पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कर सकता, इसके पीछे भी एक मजबूरी है। इतनी महंगी बाइक लेके और मजबूरी है, ऐसी भी क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी भगवान सबको दे। वो जो आपकी गली के बाहर कैफे था वो मेरा ही था। वो कैफे आपका था? हाँ वो कैफे मेरा ही था, उससे बहुत अच्छी अर्निंग हो रही थी और मेरे कई शौक भी थे। मैंने बाइक भी ली है, फोन भी चेंज किए हैं बहुत सारे। उसके बाद कोरोना आ गया और फिर सब कुछ लगभग खत्म हो गया। तो फिर मेरे पास दो ऑप्शन बचे, या तो मैं इस बाइक को बेच दूं या मेहनत करके इसकी EMI भर दूं। तो मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। अरे भैया आप खाना क्यों बना रहे हो? तो क्या हुआ, खाने तो बना रहा हूँ। पर आप क्यों बना रहे हैं? इतना पैसा है हमारे पास, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। अरे तो पैसा है तो फालतू खर्च करने के लिए थोड़ी है। आज हमारे पास है, कल किसी और के पास है। मुश्किल वक्त में पैसे हमारे काम में आता है। पैसों पे ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। आप बैठो, मैं ला रहा हूँ। अरे मैडम आप क्या सोचने लगे? अरे कुछ नहीं, वो मुझे कुछ बात याद आ गई थी। अरे वो सब छोड़ो, मेरे लिए ना तुम्हारे पास एक गुड न्यूज है। मेरे लिए? मेरे लिए क्या गुड न्यूज हो सकती है? आपने आपकी जो कैफे था उसके साथ में जो शॉप थी वो आपने देखी है? हाँ वो तो मैंने देखा है, काफ़ी बड़ी स्पेस है। पहले मैं उसी में अपना कैफे ओपन करना चाहता था, उसमें क्राउड भी अच्छा आता और इनकम भी ज़्यादा होती, लेकिन मजबूरन मेरे को इसी स्पेस में अपना काम चलाना पड़ा। वो ना मेरे पापा का स्पेस है, तो अपना कैफे उसमें कर लो और तुम्हें रेंट देने की भी चिंता करनी नहीं। मैडम सच्ची ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। आप एक काम करिएगा, आप कल मेरे घर पे आइएगा, कल यहीं पर आकर मैं अपने पापा से चाबी लेके तुम्हें दे दूँगी। इतना तो मुझे मुझ पर भरोसा है, कैफे तो अच्छा चलेगा, प्रॉफिट भी आएगा और मैं आपका रेंट भी बहुत जल्दी दूंगा। ये लो इस महीने का रेंट। इसका मतलब कैफे से कमाई होने लगी? जी हाँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो शायद मैं ये सब कर ही नहीं पाता। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अरे धन्यवाद की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? सबसे बड़ी चीज तो इंसानियत होती है। नहीं, इंसानियत से बड़ी भी एक चीज है। इंसानियत से बड़ी क्या चीज हो सकती है? समय। समय सबसे बलवान होता है। एक समय था जब तुम्हारा कैफे बहुत अच्छा चल रहा था, तुम्हारे पास महंगी महंगी गाड़ियां थी, फोन्स थे, तुमने अपने शौक पूरे किए। पर एक बार अब ऐसा समय आया जब तुम्हारे पास अपनी बाइक की किश्त देने के भी पैसे नहीं। अब वो समय फिर से लौट के आया है, अब तुम्हारा कैफे फिर से अच्छा चल रहा है। इसलिए समय सबसे बलवान होता है, अपने पैसे को अच्छी जगह लगाओ ताकि वो समय पे आगे तुम्हारे काम आए। हाँ मैडम आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अगली बार से मैं पूरा ध्यान रखूंगा।